Hi guys, good afternoon. मैं बी पी ओ एस सी रामदासपुर दहिया हूँ प्रयागराज से बी एस सर। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 और 11 का एक कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, परीक्षा की दृष्टि से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक दो तीन परिभाषाएं हैं बहुत बेसिक, उनको जानना है फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं सीक्वेंस अनुक्रम क्या है। प्यारे बच्चों, अनुक्रम क्या है ध्यान। अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय होता है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें पदों को निश्चित क्रम में रखा गया हो, और एक निश्चित नियमानुसार रखा गया हो अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है, मतलब संख्याओं का जो सेट होता है ऐसा सेट होना चाहिए कि जो संख्या के जो पद हैं वह एक निश्चित क्रम में हो, और एक निश्चित क्रम के अनुसार उसके साथ साथ और एक निश्चित नियमानुसार में भी रखे गए हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्याओं का अनुक्रम। तो कह रहे बच्चों, अनुक्रम की परिभाषा समझ में आए। संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें पदों को निश्चित क्रम में रखा गया हो और एक निश्चित नियमानुसार रखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों सीरीज श्रेणी। चलिए तो चलिए अनुक्रम के आगे सीरीज में आते हैं। हेडिंग का नाम डालिए प्यारे बच्चों सीरीज। सीरीज बच्चे, जो अनुक्रम के पद हैं अगर उन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ रख दिया जाए, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ प्रतिबंधों के साथ, मतलब कोई ना कोई कंडीशन हो उसमें, कुछ प्रतिबंधों के साथ लिख दिया जाए, तो उसे श्रेणी कहते हैं। तेरे बच्चों, अनुक्रम क्या था? अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें उसे एक निश्चित क्रम में और एक
निश्चित नियमानुसार रखा गया हो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, अनुक्रम। और सीरीज क्या है, यदि अनुक्रम के पदों कुछ प्रतिबंधों के साथ मतलब कोई ना कोई कंडीशन जुड़ा हो एक नियम के अनुसार लिख लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, श्रेणी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का एक साथ। जैसे कुछ सीरीज हम देखते हैं 1 3 5 7 डाटा डाट, 2 6 10 14 डाटा डाट, 1 5 9 13 डाटा डाट। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं ये जो कुछ सीरीज लिए गए हैं अगर इनकी हम चर्चा करें तो 1 3 5 7 मतलब ये संख्याओं का सेट है, संख्याओं का सेट जिनको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। वह निश्चित क्रम क्या है, देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया, मतलब अगली संख्या में पूर्व संख्या में से 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यह बच्चों क्या है, यह भी अनुक्रम है और श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी। 2 4 6 10 14 इनकी चर्चा करें तो ये भी देख रहे हैं बच्चों इसमें भी प्लस 4, ये भी प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, मतलब एक निश्चित क्रम में है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। 1 5 9 13 देख रहे बच्चे इसमें प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसा, ये सब बच्चों अनुक्रम और श्रेणी है। तो चलते हैं आगे फिर और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, लेना वीडियो स्टार्ट करके बच्चों बढ़िया समझते चलना, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। एक एक मिनट 3 लेते हैं, उसके बाद 2 3 ये भी देख रहे हैं बच्चों इसमें क्या किया गया, 3 से 2 हुआ माइनस 1 फिर उसके बाद आगे प्लस 1 फिर आगे ऐसे माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर इसी प्रकार 3, तो मतलब ये भी एक निश्चित क्रम में ही है, पहले माइनस 1 हुआ फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 प्लस 1, मतलब ये अनुक्रम है। ठीक, एक कुछ प्रतिबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं, -1 +1 -1 +1, इसलिए बच्चे यह श्रेणी भी होगी। क्लियर, तो ये अनुक्रम और श्रेणी। तो अनुक्रम परिभाषा का फिर समझिएगा, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें प्रत्येक पद को एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियमानुसार रखा गया हो उसे हम बोलते हैं अनुक्रम, और यदि अनुक्रम के पदों को कुछ प्रतिबंधों के साथ रख दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी। जैसे इसमें प्रतिबंध देखो, पहले वाले संख्या में पहले क्या प्रतिबंध चल रहा है, -1 फिर अगले वाले +1 फिर -1 +1 -1 +1 ऐसी संख्या चलती है। तो क्या बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए आगे आगे चलते हैं बच्चों। इस श्रेणी के प्रकार जो हम लोग को पढ़ना है, श्रेणी श्रेणी बच्चों वैसे तो कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 10 में केवल। फिर गुणोत्तर श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी। तो प्यारे बच्चों कक्षा 10 में हम लोग केवल पढ़ना है समांतर श्रेणी, और कक्षा 11 में समांतर श्रेणी भी पढ़ना है, और गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ना है, और हरात्मक श्रेणी भी शायद आ गया है पुनः। तो प्यारे बच्चों कक्षा 11 में तीनों चैप्टर आपको पढ़ना है, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, और कक्षा 10 के लेवल में केवल समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए हेडिंग का नाम डालिए समांतर श्रेणी।
क्या है समानता सर? समांतर से अर्थमैटिक को प्यारे बच्चों इनको शॉर्टकट में हिंदी में सस्त्री बोलते हैं और इंग्लिश में एपी, याद रखना। आगे हम लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप इनका हिंदी में है सस्त्री और इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमैटिक प्रोगिशन। क्लियर बच्चों? चलते हैं समांतर श्रेणी देखते हैं। वह श्रेणी जिसमें अगला पद या प्रत्येक पद जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। जिसे हिंदी में सस्त्री और इंग्लिश में संक्षिप्त रूप एपी होता है। तो ऐसी श्रेणी या वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, ध्यान देना, अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का टॉपिक भी, चैप्टर भी यही है, समांतर श्रेणी। बढ़िया से विधि पढ़ते हैं, इसको मेहनत करते हैं। तो परिभाषा आप लोग काफी कर लीजिए, तक हम इंक डाल दें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट किया करिए आप लोग को कैसे लगता है वीडियो, और सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए। नोट्स बनाते चलिए। तो चलते हैं आगे बच्चे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी ले लिया जाए, कोई संख्या, जैसे हम एक संख्या ले लिए दो। अब एक निश्चित संख्या जोड़ना या घटाना, तो कोई भी निश्चित संख्या जोड़ते चलो चलो ले लेते हैं अगली संख्या चार। इसका मतलब इसमें क्या, अगले पद में क्या जोड़ा गया, दो जोड़ा गया, तो अगला संख्या क्या होगा, छः, आठ, दस, बारह, अठारह। ये क्या बच्चों, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, देखते हैं। प्लस टू प्लस टू प्लस टू फिर प्लस टू प्लस टू, देखने क्या परिभाषा क्या कर रहा है। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता, या तो जोड़ा गया होगा या तो घटाया गया होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। देखें पहली संख्या क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पद है, इसका अगला पद क्या है, चार। तो ये जो चार है, चार में क्या जोड़ा गया, पूर्व पद में क्या जोड़ा गया, प्लस टू। अच्छे वाले देखो, पूर्व पद में क्या जोड़ा गया, टू। फिर इसी बताओ, तो ऐसा कैसे श्रेणी, समांतर श्रेणी। एक घटाना वाला देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, चार दो जीरो माइनस दो माइनस चार डाटा। अब क्या बच्चों, सोच कर बताना है क्या है समांतर श्रेणी में है।
पहली संख्या क्या है? चार। अगली संख्या क्या है? दो। क्या हुआ बच्चों, ये दो कैसे आया? और इसका मतलब इस चार में से माइनस दो घटा है तभी तो है। फिर अगली संख्या जीरो कैसे आया? माइनस दो हुआ। फिर अगली संख्या क्या हुआ? माइनस दो हुआ। फिर अगली संख्या क्या हुआ? माइनस दो। तो सीधी सी बात है, यह श्रेणी कैसी बच्चों? समानता से। क्लियर? ये चीज ध्यान समझते रहिएगा। और एग्जांपल देखते हैं, वीडियो स्टॉप करके छोड़ दीजिएगा। चलिए और एग्जांपल, भिन्न संख्या के रूप में एक और अगली संख्या ले लेते हैं भिन्न संख्या। बनाना पड़ेगा बच्चों, वन प्लस वन अपान टू, दो इक्की दो एक तीन, तीन बटे दो, फिर प्लस तीन बटे दो में एक बटे, फिर दो जोड़ेंगे, तीन चार, फिर दो, फिर दो में एक बटे दो जोड़ेंगे, पाँच बटे दो। अब बताओ बच्चों, अब भिन्न संख्या में कितना दिमाग लगाओगे? भाई इसको बनाना पड़ेगा, एक तीन बटे दो, दो बटे पाँच बटे, अब ऐसे कैसे पता चलेगा बच्चों? अब दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आगे जस्ट पढ़ने वाले धैर्य रखिए, सब पहचान जाएंगे कैसे समान। मान लो एक नॉर्मल संख्या रहती है, साधारण संख्या, तो आप उसको पकड़ लेते हैं कि भैया इसमें प्लस टू किया गया, प्लस थ्री किया गया, माइनस टू किया गया, माइनस फोर किया गया, पकड़ लेते हैं। बट ये भिन्न संख्या है, अब भिन्न संख्या में इतना दिमाग लगा लो, ये क्या अगली संख्या में क्या जोड़ा गया? तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, याद रखना प्रत्येक दो दो पद लेकर घटा दो, अगर अंतर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं। चलिए देखते हैं, हम तीन बटे दो में एक घटाएंगे, तीन बटे दो में एक घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा? एक बटे दो। क्लियर? अब इस दो में तीन बटे दो घटा देते हैं, इसको भी घटाएंगे बच्चों एक बटे दो। फिर पाँच बटे दो में दो घटा लेते हैं, ए भी आएगा एक बटे। तो प्यारे बच्चों जब दो दो का अंतर, मतलब लगातार की बात करें बच्चों, लगातार दो दो संख्याओं का अंतर अगर हम लेते हैं, निकालते हैं, अगर अंतर बराबर आता है तो वह समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं। तो प्यारे बच्चों इस समांतर श्रेणी की वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो चलते हैं आगे बच्चों, बहुत मजेदार चैप्टर है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आप लोग को कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ जो चीज़ न समझ में आए कमेंट में लिख दिया करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोग को समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आगे, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ पद। ठीक है, जिसमें समांतर श्रेणी में एक पद आएगा आपको, जिसका नाम है बच्चों सार्वंतर, सार्वंतर, इसको दूसरा नाम है बच्चों पदांतर। दूसरा पद आएगा जिसका नाम बच्चों प्रथम पद या पहला पद, और तीसरा नाम है बच्चों अंतिम पद, और चौथा है पदों की संख्या, और पांचवा है बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इनको बोलते हैं बच्चों यनुआ पद।
तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी में हम लोग अभी पहचानना जाएंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और श्री दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं बेसिक चीज। तो नंबर एक पदांतर, ध्यान देना बच्चों, समांतर श्रेणी में जो नियत संख्या थी या निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ी या घटाई जाती है उसे सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर इसे स्मॉल टी या कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखें। मतलब समांतर श्रेणी के जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, और वही जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं सार्वंतर, जिसे स्मॉल टी या कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलते हैं आगे। प्रथम पद मतलब पहला पद, पहले पद को हम स्मॉल ए या टी वन से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद बच्चों इनको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, पदों की संख्या को एन से, जैसे या पदों की संख्या में क्या है, 2, 4, 6, 8, 100, पता है पदों की संख्या कितनी है 2 और 100 तक के, तो इनको हम प्रदर्शित करते हैं एन से। चलिए आगे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद मतलब जैसे कोई संख्या दिया गया है सीरीज के रूप में दिया गया है और उसे कह दिया कि इसका 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो उसी बोलते हैं जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद को हम यहाँ पर बोलते हैं n-वां पद। इनको सामान्यतः टी एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक चीज़, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, देखते हैं आगे, अब इसको कॉपी कर लीजिए। तो समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ पद थे, सार्वंतर, प्रथम पद, अंतिम पद, पदों की संख्या और समांतर श्रेणी का व्यापक पद या यन्म पद जिसे हम टी एम से प्रदर्शित किए। तो समांतर श्रेणी के जो सार्वंतर या पदांतर होता है, परिभाषा याद रखना कि समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वंतर, इसे स्मॉल बी या कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका दूसरा नाम पदांतर भी होता है, याद रखें। चलिए आगे। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं, फिर एक्सरसाइज में आते हैं, सूत्र की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, हेडिंग का नाम लिखिएगा समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का व्यापक पद था यन्म पद। चलिए देखते हैं कि हम मानते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर स्मॉल टी, पदों की संख्या स्मॉल एम और अंतिम पद स्मॉल एल। फिर बच्चों का समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, तो सीरीज अगर हम बनाए समांतर श्रेणी तो ए, तो अगला पद क्या होगा बच्चों, सार्वंतर डी है,
अगर हम जोड़ के बना रहे हैं समांतर श्रेणी, तो सीधी सी बात अगला पद क्या होगा, ए प्लस सिटी। ओके, क्या परिभाषा कहता है, ये तो कहता है कि प्रत्येक पद पूर्व पद में से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वही चीज, प्रथम पद ए है तो अगला पद क्या है, ए प्लस डी हो। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर पहला पद दो ले लिए, अगर इसमें हम दो चार अंतर, अगर इसको हम मान लेते हैं दो है, अगला पद क्या होगा, चार। अब इस चार का मतलब क्या, दो प्लस दो। या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं तीन और अगली संख्या ले लेते हैं पाँच, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, दो, और यही दो क्या हुआ, मतलब सार अंतर। इसका मतलब ये पाँच में जो ए तीन है, तीन प्लस, तो ए ए प्लस डी। अगली संख्या क्या होगी, चलिए देखते हैं अगली संख्या, फिर जोड़ना है डी, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। भाई ए प्लस डी में डी जोड़ोगे कितना आएगा, ए प्लस टू डी। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगली संख्या क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। अगली संख्या क्या होगा, ए प्लस फोर डी। होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है, फिर इतना ज़्यादा भी लिखने का हो सकता है, टा टा टा। तो क्या है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को हम बोलते हैं टी वन। क्या बोलते हैं, टी वन, और ए बना आपका टी, और ए बना टी, और ए बना टी। इसका मतलब टी वन बराबर ए, और टी टू बराबर ए प्लस डी, और टी थ्री बराबर ए प्लस टू डी, और टी फोर बराबर ए प्लस थ्री। टी का मतलब होता है बच्चों टर्म, मतलब पहला पद टी वन टर्म्स वन, दूसरा पद टर्म्स टू, तो व्यापक पद अर्थात यन्मो पद। तो देख रहे बच्चे पदों की संख्या है, यन्मो पद जो हो रहा है दूसरा पद या यन्मो पद जो भी माना जाए, तो देख रहे पदों की संख्या से एक कम हो रहा है। यन्मा पद क्या है, पदों की संख्या से एक कम। देखते हैं जरा सोचो, अगर हम केवल दो ही संख्या की बात करें, ए और ए प्लस टी, जरा सोचो क्या है, दो ही पद है और ये दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है, पदों की संख्या से एक कम हो रहा है, अर्थात प्रथम पद प्लस पदों की संख्या में एक कम। भाई ये दो था, यहाँ केवल वन इंटू डी। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार अगर हम देखें तो इनको हम डाट 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 करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसे बोलते हैं टी एन, अर्थात टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बन गया फॉर्मूला, और यही है बच्चों व्यापक पद। व्यापक पद को हम यन्मा पद ही से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा क्यों, क्योंकि एन माइनस वन ही क्यों हुआ, एन प्लस वन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए पदों की संख्या में अगर यहीं तक हम केवल बात करें, एक दो तीन चार, चार पद हैं, और चार पद में देख रहे चौथा पद क्या हो रहा है, ए प्लस थ्री, मतलब प्रथम पद प्लस इस तीन को हम चार माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है, चार, और पदों की संख्या में से एक कम ही तो बना डी का गुणांक, तो ए जी ए प्लस फोर माइनस वन इंटू। तो इसी प्रकार अगर पदों की संख्या कितना हो, यन हो, तो भैया यनवा पद क्या होगा, ये तो चौथा पद था, इसी प्रकार पांचवा पद निकालेंगे तो ए प्लस फोर डी आएगा, छठवा पद निकालेंगे तो ए प्लस फाइव डी आएगा, तो यनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, तो ए जी। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर समझते हैं, मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी, पदों की संख्या एन और अंतिम पद एल है, तो इस प्रकार का हम सीरीज बनाए जोड़कर, तो ए प्रथम पद क्या बनेगा, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डाट डाट डाट, ए माइनस एन वन डी। तो एक टी वन हो गया प्रथम पद, फार्मूला याद रखना आपको, सर टी वन बराबर इतना, टी टू बराबर इतना, टी थ्री बराबर इतना, और टी फोर बराबर इतना, जरूरी नहीं सबको याद रखना, मेन फार्मूला आपका ए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू
चलते बच्चों आगे। आज अभी हम लोग पढ़े किस समांतर श्रेणी का यन्मक, तो यन्मक पद क्या मिला बच्चों, यन्मक पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यन्मक इनको हम टी एन से प्रदर्शित, क्लियर बच्चों, याद है। अब ये एनवा पद हो गया, तो यदि एनवा पद को हम अंतिम पद बोल दे तो जैसे भाई क्या श्रेष्ठ था, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी टाटा डाट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी टाटा डाट ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये तो प्रथम पद हुआ टी वन और ये अंतिम पद होगा, अंतिम पद को किससे प्रदर्शित किया बच्चों, एल, तो इसका मतलब बच्चों ये एल के ही बराबर होगा, अर्थात एक और फार्मूला मिला तथा अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू काफी मुझे, तो क्या बच्चों समझ में, जो आपका यन्मा पद है वही अंतिम पद है, इसका कहने का तात्पर्य ये है बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं और आगे सार्वंत्र कैसे, तो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डाटा डाट ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये तो आपका टी वन था पहले से पता है, और ये टी टू है, और ये टी थ्री, और ये टी फोर, और ये है टी एन, और टी क्या बच्चों सार्वंतर, तो प्यारे बच्चों सार्वंतर निकालने का सबसे आसान तरीका सार्वंतर डी बराबर, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, चाहे टी टू में से टी वन घटा दो, चाहे टी थ्री में से टी टू को घटा दो, चाहे टी फोर में से टी थ्री घटा दीजिए, तो आपका बनेगा सार्वंत्र, चाहे जो काफी इंपॉर्टेंट, चाहे टी सार्वंत्र, चाहे दूसरे के वाले पद में से पहले पद को घटाओ, तीसरे वाले पद में से चाहे दूसरे वाले को घटाओ, चौथे वाले पद में से चाहे तीसरा घटाओ, बनेगा आपका सार्वंत्र डी ही आएगा, चाहे लगातार चेक कर लो बच्चों, हम इसमें से इतना घटाएंगे तुम्हारे पास ही बचेगा, इसमें से इतना घटाएंगे टू डी माइनस डी ए तो ए कैंसिल हो जाएगा, टू डी में से डी घटेगा तो डी ही आएगा, इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो ए ए कैंसिल होगा, थ्री डी माइनस टू डी बनेगा टी केवल, तो क्या बच्चों ये सार अंतर डी, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू और टी फोर माइनस, चलिए आगे ये फार्मूला आपको याद रखना, फिर ये फार्मूला मैं फार्मूले प्रूव करा रहा हूँ बच्चों, अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं, मेहनत करिए, एक सवाल बचने वाला नहीं, मैं सीखने को मिले रटना नहीं, फार्मूला याद रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा रखिए, सब आ जाएगा समझ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा एक फार्मूला, तो एक दो तीन फार्मूले अभी तक मिले, चलिए आगे तो क्या बच्चों अब आते हैं थोड़ा एक्सरसाइज में, दो चार क्वेश्चन कर लिया जाए फिर आगे, तो चलिए देखते हैं बच्चों, कक्षा दस की किताब में से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 5A अच्छा दस की बात है, प्रश्नावली 5A ये मनमुरे का है शायद, हाँ डॉक्टर मनमुरे बुक देख लेना, मनोहर
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए धन, हम क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, प्रश्न संख्या एक, जितने टॉपिक पढ़ाएं उस पर निम्न में क्या क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाए, फिर उसके बाद आप लोग लगाइए मेहनत करिए। प्रश्न संख्या एक क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वत्र लिखिए, सार्वत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों काफी बढ़िया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में श्री दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ए है, तीन एक माइनस एक फिर माइनस थ्री डाटा। देखिए क्वेश्चन में तो पहले दे दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चेक करना है तो कैसे हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो चेक एपी, एपी के लिए देखते हैं क्या करते हैं। सार्वत्र निकालना मुझे, तो सार्वत्र निकाल लो डी का मान, तो ये तो टी वन है, एक टी टू है और एक टी थ्री है और एक टी फोर, चाहे टी टू में से टी वन घटा दो, चाहे टी थ्री में से टी टू घटा दो, चाहे टी फोर में से टी थ्री। तो चलिए पहले निकालते हैं, हम टी टू में से टी वन को घटाएंगे अर्थात एक माइनस तीन कितना आएगा माइनस दो, और फिर निकाल लेते हैं टी थ्री में से टी टू घटा दो भाई माइनस एक फिर माइनस एक माइनस, फिर टी फोर में से टी थ्री को घटा देंगे तो माइनस तीन, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू माइनस। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों इनका जो सार्वत्र क्या है, सार्वत्र इक्वल है अर्थात डी का मान क्या है, इसका मतलब ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है, क्लियर। तो चलिए ये चीज नहीं पूछा था क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछता है कि दिए गए श्रेणी को बताइए कौन कौन से समांतर श्रेणी में है कौन नहीं, तो क्या बच्चों आप इस तरीके से एपी के लिए आप टी टू में से टी वन घटा देना, टी थ्री में से टी टू घटा देना, टी फोर में से टी, अब इन सब का मतलब समझ रहे हैं ना, टी वन का मतलब प्रथम पद, टी टू का मतलब दूसरा पद, टी थ्री का मतलब तीसरा पद और टी फोर का मतलब चौथा, क्लियर। तो चलिए ये चीज नहीं पूछा, पूछा हमसे क्या, तो आपको ये पता है लिखने की जरूरत नहीं है कि टी वन है टी टू है टी थ्री टी फोर, चार पद ही है आप उसमें समझ सकते। पूछा है कि इसमें प्रत्येक पद में प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, तो कह रहे बच्चे इसमें देख रहे हैं प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद टी वन या स्मॉल ए बराबर कितना है टी, ए हो गया पहले, और दूसरा क्या पूछा है सार्वत्र, तो सार्वत्र डी, चीजें समांतर श्रेणी में है ही है, तो चाहे T2 में से T1 को घटा दो, चाहे T3 में से T2 घटा दो, चाहे T4 में से T3 घटा दीजिए आ जाएगा सर। तो बताइए घटा के अभी हम दिखाए थे एक माइनस तीन बराबर कितना माइनस दो, इसे आंसर, क्लियर। ए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करके कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताना कि क्या सही है, क्लियर। चलिए ले लेना दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, माइनस फाइव माइनस वन थ्री और इससे, तो तीसरा क्वेश्चन भी है आपके लिए, करके कमेंट करके बताना, वन पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट थ्री नाइन पॉइंट थ्री और थर्टीन पॉइंट थ्री, फिर नेक्स्ट टॉपिक का सवाल देखते हैं, कॉपी कर लीजिए सवाल लगा के दिखाना आप लोगों को, कमेंट करना है बच्चों किसका आंसर क्या है दूसरे ऑप्शन से, देखते हैं कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं,
और कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, निम्न में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। क्लियर। यदि कोई समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर, तो इसका सारवंतर और इनके तीन और पद लिखे, और इनके तीन पद और लिखे। तो प्यारे बच्चों चलिए ये तो हो गया आपके लिए। चलिए अब इसमें करिए क्वेश्चन का है कि इसमें से कौन कौन से मतलब कुछ श्रेणी दिए गए हैं, आपको इसमें पहचानना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। तो चलिए, और यदि कोई समांतर श्रेणी में तो उसका सारवंतर और इसके आगे के तीन पद, इनके तीन पद और लिखना है बच्चों, तीन पद और लिखना है, ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चार आठ सोलह अठारह, पता करना बच्चों। अभी नहीं कहा क्वेश्चन की समांतर श्रेणी में है ना, कहा क्वेश्चन में कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। तो चलिए पता करते हैं, आपको पता है टी वन हो गया, टी टू हो गया, टी थ्री हो गया, अरे टी फोर। अच्छा प्यारे बच्चों एक ऐसे साधारण संख्या है, इनको आप ऐसे बता सकते हैं कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। प्रत्येक पद में देख रहे हैं क्या किया गया है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू है कि दो चार नहीं, इसमें प्लस सोलह है, सॉरी सोलह है तो नहीं किया गया। तो चलिए निकाल कर चेक करते हैं, तो सारवंतर निकालो, सबसे बढ़िया आसान तरीका है सारवंतर। तो सारवंतर डी बराबर टी टू माइनस टी वन, चलो निकालते हैं। तो टी टू का मान है चार माइनस दो बराबर दो, फिर डी का मान निकालते हैं टी थ्री में से टी टू को घटा कर, तो आठ माइनस चार बराबर चार। ओए ओए मामला गड़बड़ हो गया, तो डी अब इस टी फोर माइनस टी थ्री, तो डी कितना होगा सोलह माइनस आठ, तो डी बराबर कितना। प्यारे बच्चों देखो क्या सारवंतर समान है, क्या सारवंतर तो इक्वल तो नहीं, पहले वाले में आया दो, दूसरे वाले में चार आठ, ये ना या समांतर श्रेणी में नहीं है, सीधी सी बात समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर, ऐसे चेक कर लेंगे, झटके वाला देख लेना कि हाँ दो चार मामला गड़बड़ हो गया, दो प्लस प्लस दो हुआ, फिर देखो प्लस चार हो गया प्लस। और परिभाषा क्या कहता है, कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों नोट कर लेना इसको, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस दस, दूसरा क्वेश्चन है इसका माइनस दस, माइनस छः माइनस दो और दो। अब इसको पता करना बच्चों क्या है समांतर श्रेणी में, पता नहीं चेक करना पड़ेगा, एक टी वन हो गया, एक टी टू हो गया, टी थ्री हो गया, टी फोर। तो चलिए निकाल लेते हैं सारांतर, निकालो फिर से सारांतर डी, तो टी टू माइनस टी वन निकालो पहले, तो टी टू माइनस टी वन निकालेंगे तो माइनस छः और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा चार। फिर सारांतर अब इसमें से इसको घटा दो, टी थ्री माइनस टी टू से माइनस दो प्लस छः हो जाएगा, कितना आएगा चार। फिर अगले वाले निकाल लो टी फोर माइनस टी थ्री, कितना आएगा दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस दो दो। तो प्यारे बच्चों चेक कर लेना, चार पांच पद है चेक कर लिया करिए, नहीं तो अगर हो सकता है यहाँ तक समांतर श्रेणी में, अगर यहीं पर मामला गड़बड़ कर दे तीन रख दे, आप यहीं तक देखिए, अरे यार हाँ प्लस चार हुआ, अब आगे वाली संख्या देखिए नहीं, और कह दिए कि समांतर श्रेणी में तो गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे चार पाँच पद रहते हैं तो सबको घटा कर चेक कर लो बारी बारी से, तो सबसे बढ़िया।
इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं बच्चों, यह समांतर श्रेणी में है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वत्र, तो प्यारे बच्चों सार्वत्र कितना होगा, चार हो गया। और इनके तीन पद और लिखना है, तो इनके तीन पद और लिखना बच्चों, चलिए देखते हैं। तो सार्वत्र भी निकालना आप लोग सीख गए, तो कहा है कि इनके तीन पद और हैं, ये बताओ टी फोर तक तो हो ही गया, तो तीन पद और निकालना मतलब टी फाइव निकालना है और टी सिक्स निकालना है, टी सेवन मतलब पांचवां पद, छठवां पद और सातवां, चलिए निकालते हैं। प्यारे बच्चों अभी आप लोग बताया गया कि जो यनवा पद होता है वह पदों की प्रथम पद प्लस पदों की संख्या में एक कम हमेशा, तो टी फाइव, तो टी फाइव आप लोग को पता होगा ए प्लस फोर डी, और ए जो टी सिक्स होगा ए प्लस फाइव डी, और टी सेवन ए प्लस सिक्स डी, क्लियर। अभी आया कैसे, अगर सीखना है तो साइड में थोड़ा सा समझते हैं। आप टी एन बराबर क्या पढ़े बच्चों की ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पूछ रहा है कौन सा पांचवा पद, तो टी फाइव बराबर ए प्लस एन के स्थान में रखेंगे फाइव माइनस वन और इंटू टी, तो टी फाइव कितना आएगा ए प्लस फोर। तो प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर पदों की संख्या, सॉरी यनवा पद पूछता है तो उसमें आपका जो डी का गुणांक होगा पदों की संख्या से एक कम, तो देख रहे हैं कि इसमें यनवा पद पूछ रहा है कौन सा पद, पांचवा पद, पांचवा पद है तो पदों की संख्या कितनी है पाँच ही, तो पदों की संख्या में एक कम कर दो डी का गुणांक, डी का गुणांक कैसा होना चाहिए पदों की संख्या से एक कम, तो पाँच था ये चार हो गया, छः था ये पाँच हो गया, सात था ये छः, और लगाने का तरीका बच्चों के इसी तरीके है, अगर यहाँ पर छः रखते हैं तो यहाँ पर छः होगा, तो यहाँ पर कितना होगा पाँच, अगर यहाँ पर टी सेवन है तो यहाँ पर सेवन होगा, यहाँ पर कितना होगा सिक्स, तो अब यह सब कुछ याद। तो चलिए ए प्लस फोर डी, प्रथम पद तो आपको पता है टी वन का मतलब एक, ए का मान कितना है माइनस दस, प्लस फोर डी, डी का मान कितना आया था बच्चों चार आया था, डी का मान पीछे भी हम लोग निकाले थे चार आया था, चलिए घटा कर लिखते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा माइनस दस प्लस चार चौके सोलह, सोलह में से दस घटाओगे कितना आएगा बच्चों छः आएगा, क्लियर। चलिए अब ये प्लस फाइव डी छठवां पर निकालते हैं, माइनस टेन प्लस फाइव डी, डी का स्थान पे चार, तो माइनस दस प्लस पाँच चौके बीस बराबर माइनस दस प्लस बीस कितना आएगा दस, क्लियर। ए प्लस सिक्स डी है तो माइनस टेन प्लस सिक्स डी, डी का स्थान तो हो गया चार, छः चौके चौबीस माइनस टेन प्लस ट्वेंटी फोर, और इनको घटा देंगे तो चौथा कितना आएगा चौदह, क्लियर। तो ए चीज था, तो पांचवा पद कहा है कि इसके तीन पद और लिखिए, तो टी फाइव टी सिक्स टी सेवन आपको निकालना है, तो निकाल दिया बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन में पूरा जोड़ घटाना गुड़, अब इतना तो आप लोग भी आ सकते, क्लियर बच्चों। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए, सवाल जरूर लगाइएगा, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे मनोहरे का, सब लगाइए आप लोग, हमारे पास इसमें बच्चों मनोहरे की किताब है, वो भी दूसरे सामान के लेके आए, तो लगाते रहिए मेहनत करते रहिए जब तक स्कूल नहीं खुलता है मन से, और कमेंट जरूर कर दिया करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ठीक है बच्चों, आगे हम सवाल कल करते हैं पार्ट टू में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।